सो गाइस एक और बार फिर से निकिन ने अरबाज और आर्या को रंगे हाथों पकड़ा और निकाला अपना गुस्सा अरबाज के ऊपर। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। सो गाइस जैसा कि हमने कल बिग बॉस मराठी के लास्ट एपिसोड में देखा कि निकी और जानवी किचन में चाय बना रही थी और उसी वक्त वॉशरूम में झांककर निकी ने देखा कि अरबाज आर्या की बैटरी चेंज कर रहा है, जिस पर निकी जानवी को कहती है कि जल्दी जा और देख अरबाज क्या कर रहा है। फिर जानवी देखकर आती है तो कहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज घनश्याम की बैटरी चेंज कर रहा है। मगर निकी को शक होता है, जानवी को लेकर स्टोर रूम में जाती है और बताती है कि यहाँ पर देख आर्या की न्यू बैटरीज भी नहीं है ना ही पुरानी है, यानी कि अरबाज आर्या की बैटरी चेंज कर रहा है। जिसके बाद फिर अगले ही क्लिप में ये दिखाई देता है कि अरबाज सच में आर्या की बैटरी चेंज कर रहा था और उसके साथ ड्यूटी से रिलेटेड बात कर रहा था और उसको पूछ रहा था कि तू कौन सा काम करेगी। जिसके बाद फिर आर्या कहती है कि मैं बॉयज वॉशरूम भी क्लीन कर दूंगी, उसके बाहर का एरिया भी। जिसके बाद फिर यही टॉपिक अरबाज निकी को बताने बाहर आता है और फिर निकी से कहता है कि मैंने पूरी सेटिंग कर दी है, आर्या को ड्यूटी दे दी है। जिस पर कि अरबाज पर गुस्सा होकर ये कहती है कि यार तुझे अनफेयर गेम खेलना है क्या, ऐसे पहले हम करते आ रहे थे वैसे ही हम करते हैं। इस पर अरबाज कहता है कि देख मैं कैप्टन हूँ और मैंने ड्यूटीज बांट दी हैं, तो तू सारा गेम मत बिगाड़। इस पर निकी कहती है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर और अगर तुझे ऐसे ही करना है तो तू कर। जिसके बाद फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी और हीटेड आर्गुमेंट होती है, वो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है और इससे साफ नजर आता है कि निकी अरबाज को लेकर काफी पॉसेसिव है और आर्या पे बार बार शक करती रहती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।